अल्मोड़ा सल्ट के भिकियासैंण में अनुसूचित जाति के युवक जगदीश चंद्र की हत्या के विरोध में गांधी पार्क में सामूहिक धरना प्रदर्शन और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में कई संगठनों ने जगदीश को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान तमाम संगठनों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए जगदीश को मुआवजा देने की मांग की है। आपको बता दें, अंतर्जातीय विवाह करने के कारण अनुसूचित जाति के युवक की हत्या की गई है, जिसके बाद सभा में कई संगठनों ने विरोध जताया है। वहीं उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने जगदीश के बहाने बीजेपी कांग्रेस पर भी निशाना साधा। तिवारी ने कहा कि सरकार ने जगदीश को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन तेज किया जाएगा। आज जनता जब सड़कों पर है तो वो इसलिए है कि सरकार पर अब भरोसा नहीं रहा है। जगदीश की जान बचाने में असफल साबित हुए, लेकिन आज तो वो किसी को सुरक्षा देने में भी असफल साबित हुए और बहुत सारे लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और उन सबको भी, उन जातिवादी उन लोगों से खतरा है और उनका जो खतरा है उस खतरे को भी रूल्ड आउट करने में सरकार काम नहीं कर रही है।